सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में, जो आपको गुड़गांव में देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं, और उनसे सारी चीज़ें जानेंगे, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, यहाँ पे इंटर्नशिप कराते हैं कि नहीं कराते, ओवरऑल मतलब कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना नाम आप बताओ और कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दो स्टूडेंट्स को। अर्पित जैन, मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो अर्पित, कॉलेज के बारे में कैसे आपको पता चला, क्योंकि आप दिल्ली से हो और ग्रेटर नोएडा काफ़ी डिस्टेंस है। फ्रेंड्स, आरएनडी, सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया से आपको पता चला फ्रेंड्स के। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, फैकल्टीज कैसी है, क्योंकि अगर फैकल्टीज अच्छी होंगी तो ही जाके प्लेसमेंट्स लग देते। तो फैकल्टी यहाँ पे कैसी है? फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। ओके, अगर क्लासरूम्स वगैरह के बारे में पूछना चाहें क्वेश्चन वगैरह तो जाके, जैसे लेक्चर और हो गया बाद में हम उनके पास जा सकते हैं, कुछ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ओके, तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट का कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर हमारा बजट ही नहीं रहा तो फिर कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप टोटल बता दो, मतलब पर सेमेस्टर कितने लगते हैं और टोटल ओवरऑल चार साल के कितने लगते हैं? 1 लाख रुपीज़ और ओवरऑल वो पर ईयर 2 लाख। पर ईयर 2 लाख, तो ओवरऑल आपका 8 लाख से करीब लग जाता है। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल क्या सीन है? हॉस्टल अच्छा है, विद इन कैंपस है कि नहीं? विद इन कैंपस हॉस्टल है। ओके, आप तो हॉस्टल में रहते नहीं? हॉस्टल में नहीं है, बट जितना क्लास में होते हैं रूम में फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके थ्रू जितना सुना है अच्छा है। वार्डन वगैरह है, पूरी सिक्योरिटी है, इन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। Okay. एसी रूम है, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, और अभी आप कौन सी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में, तो अभी तक आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की? हाँ, इंटर्नशिप मैंने यहाँ पे करी है ऑन कैंपस। कौन सी कंपनी में? ऑन कैंपस। अच्छा, ऑन कैंपस ही, मतलब किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट था उसके बारे में थोड़ा? वो डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस। अच्छा, इसमें मैंने सुना है पे इंक्यूबेशन कैंपस वगैरह है, कैंपस में इंक्यूबेशन आपको सेंटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे उससे कुछ हेल्प मिलती है? हाँ, वो हमारे स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो टाइम एक डिवाइड हो जाता है कि क्लास में हम ध्यान ना दे पाए, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अलग से टीचर्स है जो और अच्छे नॉलेज हो स्टार्टअप्स की। Okay. वो हमें हेल्प करते हैं कि जीरो टू कैसे बनाना है। Okay. और फंड वगैरह देते हैं? सब प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर आप मतलब कोई आपको नया आइडिया आता है तो कॉलेज पे फंड करते हैं? हम कॉलेज पे जो हमारा आइडिया आया है उसको शो करो, प्रेजेंट करो, इफ दे गेट, इफ इट गेट्स अप्रूव्ड देन हमें फंडिंग मिलेगी, वहाँ पे हेल्प मिलेगी, सारी रिसोर्सेज, सब रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के देंगे। एंड अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, या फिर 12th के बेसिस पे, जेई वगैरह? अच्छा, नाटा, सीयूटी, सबके बेसिस पे, सारे स्कोर पे, आपका जैसा भी परसेंटाइल है उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज है, अगर अगर फीस में आपको थोड़ा बहुत कम कराना है तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप में डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह क्या क्या कराते हैं, अभी तक आपने कौन कौन सा सर्टिफिकेशन वगैरह किया है? सर्टिफिकेशन इन्होंने IBMN सेमेट्रिक्स का होता है एंड अलग अलग होता है, बाकी कोर्स है करिकुलम, तो ओके सर्टिफिकेशन तो हम जो स्किल अलग से सीखना चाहे सीख लो, बट ऐसे नेसेसरी नहीं पड़ता क्योंकि कॉलेज वाले खुद ही इतना अच्छा से सिखा देंगे। जैसे पहले सेमेस्टर में अलग लैंग्वेज थी, सेकंड में अलग है, तो खुद ही इतने अच्छे से करवा देंगे कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत सारे कॉलेज में जैसे सी लैंग्वेज के सर्टिफिकेट, पाइथन का सर्टिफिकेट, ये सब कराते हैं, खुद ही कॉलेज कराते हैं। अच्छा, करिकुलम में ही है? हाँ, तो फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह क्या आपको यहाँ पे मिलती है? सारे क्लब्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स रूम है, क्लब्स डांसिंग के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, राइटिंग, सबके अलग अलग क्लब्स है। मैं जो कैंपस टूर का वीडियो बनाया हूँ उसमें आप देख सकते हो, मतलब इसके लिए बिल्कुल एक पूरी बिल्डिंग में जो बेसमेंट का एरिया होता है उसमें पूरा गेमिंग का, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो कैरम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लगभग सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबके टीटी का अलग, पूल टेबल का अलग, सबके अलग रूम्स हैं। सो ये सारी डिटेल हमने जान ली, जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे उनको कि वो यहाँ पे आएंगे तो किस किस चीज़ों पर ध्यान दें और कैसे उनका प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है? तो उसमें मोस्टली डाउट्स क्लियर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के। ओके, वो होता ही पूरा डेसिग्नेटेड पूरे दिन का, इसीलिए 2-3 दिन चलता है जो फर्स्ट डे क्लास आते हैं, फर्स्ट डे से वो थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है। ओके, 4 दिन, 5 दिन ऐसे चलता है, और पूरे दिन आपको पूरे अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है। अच्छा, सारी चीज़ें बताई जाती हैं सबके थ्रू, बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है, क्योंकि अदर कॉलेज में एक दिन का ही देते हैं। नहीं, ये आगे फ्यूचर स्कोप है, आप डोमेन जैसे CS में तो आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो उसमें कि क्या बनना है, रोड मैप टाइप सारी चीज़ों के प्रोवाइड उसमें होते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल कैंपस काफ़ी ठीक है, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हो और अपना 100% देते हो तो एक अच्छा प्लेसमेंट निकलो देते हैं, तो फायदा होता है। ठीक है, तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये रहा केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल, अगर आपको कुछ भी जानना होगा, कुछ भी पूछना होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहाँ से आप हमें पूछ सकते हो, और भाई से हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल पे उनसे बात करा दें। आपका भी जो और भी डाउट होगा, जो आप बेसिक बिल्कुल ऐसी चीज़ें जानना चाहते हो जो यहाँ के स्टूडेंट को ही सिर्फ पता होगी, तो आप हमें कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।